श्री जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले श्रद्धालुओं की आवभगत के लिए तैयारियों में जुट गया है। ट्रस्ट ने भंडारे की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रस्ट की ओर से 45 से 50 स्थानों पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। वहीं जानकारी देते हुए BHP मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि देश भर से संस्थाएं व NGO इसमें सहयोग कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने 25,000 राम भक्तों को दर्शन करवाने का 45 दिनों का कार्यक्रम तैयार किया है। जनवरी माह से फरवरी तक अयोध्या जंक्शन से लेकर कैंट तक उनके रहने व खाने की सारी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट आम लोगों और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन जल पानी की व्यवस्था करवाने जा रही है। तो ये क्या है? भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी तय हुआ है। देश भर से लोग जो है यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे लगभग 7,500 से 8,000 लोग जो है आएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा अनेक लोग आएंगे अयोध्या, जिनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ना हमारे पास डाटा है उसका, ना प्रशासन के पास है। तो इस प्रकार से जो आने वाले लोग हैं जनवरी से लेकर फरवरी माह तक, उन लोगों के आवास भोजन का जो है व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्थाएँ जो हैं अपने सुचारू रूप से संचालित हो गई हैं। अयोध्या जी से लेकर, मतलब जंक्शन से लेकर कैंट तक जो है लगभग 45 से 50 भोजनालय चलेंगे। और इन भोजनालयों में जो है कोई चाय वितरण करेगा, कोई जो है ब्रेड का वितरण करेगा, कोई दाल रोटी खिलाएगा, कोई तमाम तरह की सामग्रियों का को लोगों में जो है वितरित करेगा। तो इस प्रकार से एक उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, जो भी लोग हैं, भिन्न भिन्न संस्थाएँ जो है उसमें सहयोग कर रही हैं। और वो संस्थाएँ जो हैं वह आने वाले लोगों को एक भक्त बनकर, एक सेवक बनकर उनमें अपना समर्पण सहयोग कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो है एक व्यापक मतलब रचना की गई है, ताकि लोग आएँ, वो भूखे ना जाएं, उन्हें हर प्रकार से यहाँ पर सुविधाएं मिलें, क्योंकि भक्त हैं। और भक्तों को तो सुविधा नहीं चाहिए, वो तो संकट में भी अपने आप को जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि उनको भोजन, आवास ये मिलना चाहिए, उनको जो है सुलभ होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएँ जो हैं हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आह्वान पर किया जा रहा है। आने वाले लोग जो हैं वह पूरे देश के होंगे, तो पूरे देश की संस्थाएं भी इसमें संचालित हैं। और अनेक प्रकार के लोग हैं, चाहे वो व्यापारी बंधु हों, चाहे मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे वो जो है किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग लगे हैं अपने अपने स्तर से। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।